नमस्कार दोस्तों दोस्तों यह है 3 किलोवाट का स्टेबलाइजर। तो आज इस ट्रांसफार्मर के और रोटरी के कनेक्शन करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में। देखिए दोस्तों, यह है रोटरी अजंता कंपनी की, 15 एम्पीयर की रोटरी है। तो चलिए दोस्तों इसको बाहर निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से इसको बाहर निकाल लिया है। देखिए कुछ इस तरह की रोटरी होती है। तो रोटरी और ट्रांसफार्मर के कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो रोटरी के ट्रांसफार्मर के कनेक्शन स्टार्ट करने के लिए दोस्तों, देखिए जिस तरफ ट्रांसफार्मर में सिंगल वायर होती है वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। देखिए 8 पोल होते हैं रोटरी में और 8 वायर होते हैं ट्रांसफार्मर में। देखिए जिस तरफ सिंगल वायर होता है ये वाला, तो ये नंबर 1 का होता है, ये 2 नंबर का, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और ये 7 नंबर, 8 नंबर, इस तरह से सारे वायर लगेंगे। तो चलिए सारे वायर नंबर बाय नंबर लगा लेते हैं। सबसे पीछे मेन वायर, देखिए ये सबसे पीछे होता है मेन वायर, ये अलग होता है, इससे कोई मतलब नहीं होता है रोटरी से। इसी तरह दोस्तों देखिए, ये रोटरी होती है, इसकी जो मेन पिन होती है, देखिए ये मेन पिन होती है, तो इसका भी ट्रांसफार्मर के वायर से कोई मतलब नहीं होता है। देखिए इस तरह से सारी पिनें नंबर बाय नंबर होती हैं, ये थोड़ी अलग होती है। देखिए सारी पिनें नंबर बाय नंबर लगी होती हैं, एक सीध में, एक चक्के में, और ये दूसरे चक्के में अलग से लगा हुआ होता है। तो चलिए मार्कर से रोटरी में लिख भी देते हैं, जिससे कि और आसानी होगी। देखिए ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6, ये नंबर 7, ये नंबर 8, इस तरह से 8 पिन है। ये देखिए मेन रोटरी के मेन पिन। तो चलिए अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं नंबर बाय नंबर। तो सबसे पहले इसके जो पेंच हैं वो सारे पेंच खोल लेते हैं। देखिए ये वाले सारे पेंच खोल लेते हैं। तो देखिए सारे पेंच खुल गए हैं। तो चलिए अब इसके कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले ही बता चुके हैं, जिसमें सिंगल वायर है वो नंबर 1 है, तो नंबर 1 में इस वायर को लगा लेंगे। तो इसी तरह से नंबर बाय नंबर सारे वायर को लगा लेते हैं। तो दोस्तों 1 नंबर की वायर 1 नंबर में, 2 नंबर की 2 नंबर में, 3 नंबर की 3 नंबर में, 4 नंबर की 4 नंबर में, 5 नंबर की 5 नंबर में, 6 नंबर की 6 नंबर में, 7 नंबर की 7 नंबर में और 8 नंबर की 8 नंबर है। इस तरह दोस्तों 8 वायर लगा ली हैं। अब इसमें सिर्फ 2 वायर और बची हुई हैं। 2 वायर दोस्तों इसमें और लगेंगी। देखिए एक लगेगी रोटरी की मेन पिन में, एक रोटरी की 1 नंबर की पिन में, 1 वायर लगेगी, ये लगेंगी अप डाउन स्विच में लग कर। तो चलिए उसको भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कापर की वायर लगाएँगे रोटरी की मेन पिन वाली वायर मेन पिन में, और यही वायर लगाएँगे 1 नंबर के 1 पिन में, बीच में काट के दोस्तों ये दोनों वायर अलग अलग हो जाएंगे, फिर ये लगाएंगे अप डाउन स्विच में। तो बारी बारी से चलिए इन दोनों वायर को कस लेते हैं। देखिए मेन पिन वाली कस गई है, उसी तरह से दोस्तों पिन नंबर 1 पिन वाली वायर भी कस लेते हैं। दोस्तों अगर चाहते तो इसको पहले भी लगा सकते थे वायर को, लेकिन आपको समझाने के लिए सबसे पहले इन वायर को कस लेना था, उसी के बाद में लगा कर इसको दिखाना था, इसलिए इसमें ये वायर बाद में लगाते हैं। तो देखिए इसमें भी 1 नंबर के पिन में भी ये वायर लगा लिया है। तो इस तरह से दोस्तों सारे वायर रोटरी के लग गए हैं। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है रोटरी और ट्रांसफार्मर के कनेक्शन आप करना सीख गए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें।